आप लोगों को पता चल ही गया होगा पुरानी दो वीडियो से कि यूनिवर्स हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड इतने बड़े इतने ज़्यादा वास्ट यूनिवर्स में हम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली मैं ऐसी डीप डाइव रिसर्च करके कुछ ऐसी एलियन साइटिंग्स वाली वीडियोज़ आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जिनको लोगों ने अलग अलग प्रकार से कैप्चर किया है अपने कैमरा के अंदर। हज़ारों टाइप की एलियन साइटिंग्स वाली वीडियोज़ मिली होंगी जिसमें से आई पर्सनली बिलीव कि 90% तो यार फेक ही थी। एंड आई नो कि आप लोगों को भी नहीं कर पाती क्योंकि बिकॉज मेरी ऑडियंस है ही इतनी ज्यादा स्मार्ट। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी भी थी जिनको देखने के बाद मेरे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही थी एंड मे बी शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। As a result of the outbreak, your city or entire region may be endangered by a lethal agent. If conditions at your location make this a possibility, you need to consider staying in place until the threat has subsided or blown over. नंबर वन, होवरिंग लाइट्स ऑफ टेक्सस। अब जो आप वीडियो देखने वाले हो उसको टेक्सस के अंदर ओक क्लिफ नाम की एक जगह पर रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप देखोगे कि जब एक टूरिस्ट फ्रेश हवा लेने के लिए अपने एयरबीएनबी वाले घर से बाहर आता है तो उसको फ्रेश हवा के साथ साथ एक फ्रेश एलियन स्केयर भी मिल जाता है। वेल, वॉट आर योर थॉट अबाउट दिस वीडियो? बिकॉज मेरे पास तो अभी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है फिलहाल। पहले मुझे लगा कि ये लाइट्स शायद कोई स्टेडियम लाइट्स भी हो सकती हैं, लेकिन इस वीडियो की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी ना कि पूछो मत। क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान एक एरोप्लेन भी उस ऑब्जेक्ट से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है एंड देखने में उस हवाई जहाज की डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट से काफी नीचे लग रही थी, जिसका मतलब वो यूएफओ मे भी हजारों फीट की ऊंचाई पर था एंड इतना ऊपर होने के बावजूद भी इतनी दूर से उसकी एक परफेक्ट शेप काफी अच्छे खासे साइज में दिख रही थी, जिससे ये पता चलता है कि असल में वो कितनी ज्यादा बड़ी चीज हो सकती है। एंड एक स्टेडियम लाइट इतनी ज्यादा ऊंचाई पर तो कहीं पर भी नहीं होगी, मे भी दुबई को छोड़कर। एंड उसके साथ ही साथ दैट थिंग इज लुकिंग क्लियरली फ्लोटिंग इन द स्काई, सो स्टेडियम लाइट्स का तो आई थिंक सवाल ही नहीं पैदा होता। अक्सर ऐसी स्केरी एलियन साइटिंग्स एंड यूएफओ साइटिंग्स होती रहती हैं एंड कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अमेरिकन ये सब न्यूज़ चैनल बहुत कवर भी करते हैं ये सब न्यूज़ को, लेकिन अपने इंडिया वाले न्यूज़ चैनल को लड़ने से फुर्सत मिले तो ये सब कवर करें ना। एंड अपने इंडिया में इन सब टॉपिक्स को इतनी कम कवरेज मिलती है ना कि हमें भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके ऊपर। बट टेंशन किस बात की यार, मैं हूं ना। खैर, आप लोग भी ना अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन जरूर लिखते जाना, जो जो भी वीडियो मैं दिखाऊंगा उसकी मैं अपने भी बताते जाऊंगा अगर जो भी मेरे को लगेगी एंड जो भी आपको फील होगी ना वो भी जरूर लिखना आप कमेंट बॉक्स में। नंबर टू, गुजरात लाइट फाउंटेन। अक्सर आप सोचते होगे कि ये अपने एलियन भाई बंधु सिर्फ फॉरेन कंट्रीज के आसपास ही क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। माना अपने यहाँ पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगे है, लेकिन यार बाकी चीजें तो सस्ती है ना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो कर सकते हैं यार वो। वेल, आई थिंक मेरी ये बात उन्होंने सुन ली एंड गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में कुछ टाइम पहले एक एलियन या फिर एलियंस साइटिंग हुई थी जिसके अंदर कुछ मिस्टीरियस फ्लोटिंग लाइट्स को ऑलमोस्ट सभी ने उस नाइट को नोटिस करी थी एंड वन ऑफ द ब्रेव मैन हैव ट्राइड टू कैप्चर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट आल्सो, जिसके अंदर आप देखोगे कि काफी ज्यादा वियर्ड फिनोमिनम अकर हो रहा है।
काफी सारी फ्लोटिंग लाइट्स हवा में दिखाई दी जिन्होंने अपना शेप एंड फॉर्म भी थोड़ा बहुत चेंज किया हवा में ही। एंड देन इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो उन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के थोड़ा अपोजिट में हम एक बर्निंग ऑब्जेक्ट को भी धरती के एटमोस्फियर में से गिरता हुआ देख सकते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, उसी जगह पर इस हादसे से पहले वहां के लोगों ने एक काफी ज्यादा लाउड सोनिक बूम वाली साउंड को भी जो है एक्सपीरियंस किया था। एंड वो आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि उन्हें लगा कि आसपास में कोई बम ब्लास्ट हुआ है। एंड वो जो सोनिक बूम की आवाज थी वो कुछ ऐसी साउंड करी थी। थैंकफुली ये वाली फुटेज तो काफी ज्यादा कवर हुई थी अपने इंडियन मीडिया एंड इंडियन सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई है इस वीडियो की। ऊपर जितनी भी फ्लोटिंग लाइट्स दिख रही हैं उनकी एंड जो भी वो बर्निंग ऑब्जेक्ट गिर रहा था उसके ऊपर। हालांकि इंडियन फोर्स से पूछा गया था कि ये जितनी भी लाइटें वगैरह दिख रही थी क्या ये तुम्हारे विमानों की थी, तो उन्होंने एकदम साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने बताया कि हम अपनी कोई भी टेस्टिंग करेंगे तो वो एटलीस्ट 70 किलोमीटर की रेडियस पे होगा किसी भी पब्लिक प्लेस से, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो हमारा कोई विमान था। एंड अगर होता भी तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स ए टू जेड रहते हैं। अगर आप भी गुजरात के राजकोट के रहने वाले हो एंड आप इस वीडियो को फिलहाल देख रहे हो एंड अगर आपने भी इस फिनोमिनम को एक्सपीरियंस किया है तो अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि उस रात में आपको कैसा लगा था। नंबर 3, पर्सनल एलियन बिलोंगिंग। ये वाली एलियन साइटिंग आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक एंड स्केरियस्ट एलियन साइटिंग भी हो सकती है, जिसको क्यूबेक कनाडा में 2018 के अंदर एक फ्रेंच स्पीकिंग फैमिली ने रिकॉर्ड किया था अपने आउटिंग सेशन के दौरान। और आपने शायद गोल सीडी डीवीडी जैसी स्क्वायर रेक्टेंगल हर टाइप के यूएफओ वाले जहाजों की वीडियोस वगैरह देख रखी होंगी इतने सारे वास्ट इंटरनेट के समुद्र के अंदर, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपने इस वीडियो से बेटर कोई एविडेंस देखा होगा एलियन साइटिंग कॉट ऑन कैमरा के लिए। A bizarre object rotates slowly, seeming to shine bright red and green lights as it turns. On voit. Hey, c'était vraiment nice. C'est un vaisseau. On le voit. Attends, mais c'est vraiment nice. Oh, ça उस नीले आसमान में जूम एंड फोकस करने के बाद उस फैमिली ने और जैसा कि अपनों ने भी देखा कि हवा में एक स्पेसक्राफ्ट नजर आ रहा है, वो भी स्टार वॉर्स के डिजाइन का, जो लाइट को भी इतनी ज्यादा मैजिस्टिकली रिफ्लेक्ट कर रहा था ना कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जल रहा हो। लेकिन वो जो भी चीज थी वो ऑन फायर थी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसने अमेरिकन एंड कैनेडियन न्यूज चैनल पर जरूर आग लगा दी थी उस वक्त में। कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में अनुमान लगाया था कि ये शायद एक बहुत सारा बड़ा बैलून भी हो सकता है, लेकिन फिर ये थ्योरी एकदम ही ट्रैश कर दी गई क्योंकि कोई भी बैलून इतनी ऊंचाई पर जाकर सर्वाइव नहीं कर सकता इतनी देर के लिए। एंड जिस प्रकार से वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था ना, वो बैलून तो बिल्कुल भी नहीं था। बाकी मेरी एक ही एक्सप्लेनेशन है कि जो एलियंस है ना वो स्टार वॉर एंड स्टार ट्रैक मूवीज के बहुत बड़े फैन है। नंबर 4, ट्रायंगल ऑफ मिस्ट्री। ये कहानी है गल्फ वॉर की जो 1990 में घटित हुई थी एंड शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी गल्फ वॉर से रिलेटेड क्योंकि स्कूलों में यार इस सब चीजों के अलावा पढ़ाती क्या थे। खैर, जेटी नाम के एक वेटरन को उस वॉर के दौरान सऊदी अरेबिया के एक बहुत बड़े अमेरिकन आउटपोस्ट के अंदर डिप्लॉय किया गया था एंड वो आउटपोस्ट सऊदी अरेबिया के डेजर्ट के बीच में था टू बी एग्जैक्ट। एंड वो वेटरन अपनी स्टोरी के बीच में बताते हैं कि वॉर के टाइम में कुछ देर के लिए मामला एक बार शांत हुआ था एंड जब मामला शांत हुआ था उसी टाइम सुपर बोल गेम का जो है लाइव टेलीकास्ट होना बाकी था। एंड हाँ, उनके आउटपोस्ट में इतनी सुविधा थी कि वो लाइव एक गेम शो को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। आपको सुपर बोल के बारे में नहीं आइडिया तो मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। सुपर बोल ना एक बहुत ही ज्यादा मेजर रग्बी इवेंट होता है जिसको अमेरिकन फुटबॉल भी बोलते हैं बाय द वे। एंड इस इवेंट को हर साल ऑर्गेनाइज तो करते ही हैं लेकिन ये हर साल अपनी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ग्रो कर रहा है ना एंड ये इतना ज्यादा बड़ा इवेंट होता है ना कि इसको 150 से 200 मिलियन लोग तक लाइव देखते हैं। एंड आप मानोगे नहीं कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड्स की एड्स दिखाने के लिए भी ना इस सुपर बोल की स्क्रीन में अरबों खरबों रुपए तो ऐसे ही पानी की तरह डोल देती हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना ज्यादा फेमस इवेंट है सुपर बोल। खैर, जीटी इतने बड़े रग्बी फैन नहीं थे स्टार्टिंग से ही एंड जब उनके बाकी सारे क्रू मेंबर्स पागलों की तरह सुपर बोल इवेंट का वेट कर रहे थे ना, तो वो एक बार के लिए अपने टेंट से बाहर आ गए। एंड यस, एग्जैक्ट वीडियो तो नहीं है उनकी साइट सीइंग की जो भी उन्होंने देखा था क्योंकि उस टाइम पोर्टेबल कैमरास वगैरह वैसे भी नहीं होते थे इतने एंड वॉर के टाइम में तो तुम वैसे भी भूल जाओ, लेकिन हिस्ट्री टीवी 18 ने ना
JT का इंटरव्यू लिया था एंड उनकी स्टोरी उन्हीं के थ्रू मेरे को पता भी चली थी। एंड कूडोस टू हिस्ट्री टीवी 18 क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड एग्जैक्ट वीडियो एविडेंस बनाया है JT की साइट सीइंग का, जो भी उन्होंने 1990 के गल्फ वॉर के दौरान देखा था। एंड इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने इंसिडेंट के ऊपर और भी काफी अमेजिंग डिटेल्स शेयर करी है। As I looked up into the sky, I saw something that really caught my attention. It was a triangle of three orangish white lights drifting silently and slowly through the sky. They moved as though they were part of an isosceles triangle. This was not a high altitude object, probably between 1,000 and 2,000 feet is what I would estimate. It was following a perfect due east course, drifting elegantly through the sky. There was absolutely no sound at all. I mean nothing. I was stunned. Triangle shapes की ऐसी उड़न तश्तरियों को देखने की बातें सिर्फ JT ने ही नहीं फर्स्ट टाइम छेड़ी थी, उनसे पहले भी बहुत सारे सोल्जर जो उस आउटपोस्ट के आसपास रह चुके हैं उन्होंने भी ये दावा किया है कि उन्होंने भी थ्री साइमल्टेनियसली लाइट्स को ट्रायंगल शेप में जलते हुए देखा है आसमान में। एंड उनके पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो क्या चीज है। एंड ऑफकोर्स JT सिर्फ उन लोगों में से एक थे जिनका डिस्क्रिप्शन इन सभी चीजों से मैच कर रहा था। वेल, सोचने वाली बात है ना कि वॉर्स के टाइम में अगर ऐसी UFO जैसी चीजें आसमान में हमें मंडराती हुई दिखाई देती हैं तो क्या ऐसा हो सकता है। आई थिंक वाइल्ड थ्योरी है, बट मुझे लगता है कि मे बी कोई ना कोई इंटेलिजेंट बीइंग ना हम इंसानों को ना मॉनिटर करता रहता है टाइम टू टाइम, स्पेशली वॉर्स के दौरान, क्योंकि वो मे बी मॉनिटर करते हो कि इंसानों का बैड कार्मा सबसे ज्यादा उन्हें किस प्रकार में इफेक्ट करता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो को भी आप छोड़ दोगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज मिल जाएंगी जिसके अंदर स्पेसिफिकली वॉर्स वगैरह के अंदर ना UFO एंड एलियन साइटिंग मिस्टीरियस साइटिंग्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट करी जाती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एंड ये वाली थ्योरी तो काफी लोग मानते हैं, कि अगर हम भी इतने ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो गए किसी एलियन बींग जैसे जिसके थ्रू हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाए जो हमने कभी इमेजिन भी ना करी अपने सपने में, तो हो सकता है कि हमें ऐसी कोई एलियन ऑर्गेनाइजेशन वाइप आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो किसी को भी पसंद नहीं है। नंबर 5, ब्राइट डॉट्स ऑफ न्यूयॉर्क। ये वाली क्लिप ना आज की लास्ट क्लिप रखते हैं, एंड इस वीडियो को न्यूयॉर्क के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शूट किया गया था। एंड इस वीडियो के अंदर भी एक बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एलियन प्रूफ कैप्चर हो जाता है, जो अगेन किसी भी आम इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा कि एलियंस इतनी ज्यादा स्पेसिफिक जगहों को ही क्यों विजिट करते हैं। I saw three dots, so I looked up in the sky. I said, hold up. They were basically sitting in a solid pyramid formation. Three dots of bright white lights. जो शायद एक ट्रायंगल को भी फॉर्म कर रही थी आसमान में दिखाई देती है। एंड जैसे ही एक एयरप्लेन उन लाइट्स के जस्ट नीचे से गया तो वो लाइट्स अचानक डिम होना शुरू हो जाती हैं। एंड देन सडनली ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ। अगर आप वीडियो पर एक और नजर मारोगे तो आपको शायद फील हो सकता है, एंड बहुत सारे लोगों को हुआ था एंड मेरे को भी हुआ था, कि वो तीन डॉट्स ना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वो एक ही ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। एंड हो सकता है कि ये स्पेसशिप उसी टाइप की स्पेसशिप हो जैसे हमारे वो वेटरन JT है ना पिछली वीडियो से, उन्होंने मेंशन किया था गल्फ वॉर के टाइम पर। हो सकता है कि वो मल्टीपल UFOs भी हों, कुछ कह नहीं सकते, एंड हो सकता है कि वो एक ही UFO ऑब्जेक्ट हो। आई थिंक कि वो ऑब्जेक्ट पर्सनली एक ही ऑब्जेक्ट था, ना कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। एंड जब एरोप्लेन उनके पास से गया तो मे बी उस जहाज में बैठे बंदे को या फिर एलियन को याद आ गया कि हमें लाइटें फटाफट ऑफ कर लेनी चाहिए। दुनिया में ना ऐसी हजारों एलियन साइटिंग्स आजकल स्पोर्ट होने लग गई हैं, एंड YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जो कुछ घंटे कुछ मिनटों पहले ही अपलोड हुई होंगी वो भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन आई थिंक कि एलियन वाला टॉपिक अब इतना ज्यादा ब्राइट लाइट में आ चुका है कि काफी सारे लोगों को ना इस टॉपिक के ऊपर अब नॉलेज आना शुरू हो गई है। लेकिन शायद हमें एलियंस का पर्पस पता चल जाए ना, एंड अगर इनमें से काफी सारे वीडियोस रियल हैं एलियन साइटिंग्स की, तो आई थिंक कि हम इंसानों का प्रस्पेक्टिव ना एकदम हिल जाएगा एंड हम डर के जीने लगेंगे। ओके दोस्तों, तो ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, एंड सॉरी दोस्तों मैं बहुत ज्यादा आई नो काफी ज्यादा डिले कर दी मैंने ये वाली वीडियो। कभी कभार कंसिस्टेंसी का भूत आ जाता है एंड कभी कभार चला भी जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चला गया, एक्चुअली ना मैं इंटरनेट पर जब रिसर्च कर रहा था ना इन वीडियोस के लिए, तो मैंने आपको जैसे बारी बार बताया कि मेरे को हजारों वीडियोस मिली एलियन साइटिंग से रिलेटेड, एंड मैंने इतनी सारी देख दी ना,
मुझे लाइक उतनी सारियों में से ये 5-6 ही जो है कन्विंस करी थी, एंड वो ही मैंने आपके साथ भी शेयर करी है। एंड इसी वीडियो की रिसर्च के कारण थोड़ा सा ज्यादा डिले हो गया। खैर, आपको वीडियो पसंद आई है तो ना ये दिखाने के लिए ना लाइक कर दिया करो, एज ही दिल में पसंद आने यार फिर उसका फायदा क्या। ठीक है, आनी चाहिए, बट लाइक कर दोगे ना तो फिर YouTube को भी पता चल जाएगा, तो दो जनों को और दिखा देगा यार, गरीब का भला हो जाएगा। तो प्लीज लाइक कर दिया करो। एंड अगर आपने भी कभी गलती से कोई ऐसे लग रहा है कि एलियन साइटिंग नोटिस करी है या फिर कोई एलियन एनकाउंटर आपके साथ हुआ है तो शेयर करो ना यार कमेंट बॉक्स में, कितना मजा आएगा यार पढ़ने में मेरे को, एंड बाकी सबको जो भी आपका कमेंट देखेंगे शेयर करना। एंड उसके अलावा ना आप बस एक काम करो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।